सिंगापुर फूड एजेंसी ने 2 दिसंबर 2020 को यूएस स्टार्टअप ईट जस्ट कंपनी को लैब ग्रोन मीट के सेल के लिए अप्रूवल दे दिया है और सब कंट्रीज में से सिंगापुर फर्स्ट कंट्री है जहां कल्चर्ड मीट मतलब लैब ग्रोन मीट को क्लियर अप्रूवल ऑफ सेल मिला है। प्लांट बेस्ड मीट के बाद अब खाने को मिलेगा लैब ग्रोन मीट, जिसे कल्चर्ड मीट या क्लीन मीट बोल रहे हैं। पिछले कुछ सालों से बहुत से कंपनीज लैब ग्रोन मीट प्रोसेस और टेक्निक्स पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन ईट जस्ट कंपनी वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी है जिसे अप्रूवल मिला है लैब ग्रोन मीट के कंजप्शन के लिए। वेलकम टू वायर्ड रियलिटी और आप देख रहे हो लैब ग्रोन मीट एंड हाउ इट्स मेड। सिंगापुर गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव और एक्सप्रेसिव रही है लैब ग्रोन मीट के बारे में। कैलिफोर्नियन स्टार्टअप ईट जस्ट ने अपने फर्स्ट एवर लैब ग्रोन चिकन नगेट्स बनाए हैं और सिंगापुर गवर्नमेंट ने इस चिकन नगेट्स को सिंगापुर मार्केट में बेचने के लिए अप्रूवल दे दिया है। ईट जस्ट कंपनी ने लोकल मैन्युफैक्चरर से पार्टनरशिप में न्यू ब्रांड गुड मीट लॉन्च किया है, जहां वो पार्टनरशिप में लैब ग्रोन चिकन नगेट्स का प्रोडक्शन करेंगे। ईट जस्ट कंपनी फेमस है उनके प्लांट बेस्ड एग्स प्रोड्यूस करने के लिए। वो कहते हैं कि वो मूंग दाल से प्लांट बेस्ड एग्स बनाते हैं। एक बोतल में ये मूंग दाल का लिक्विड आता है जिसमें बिल्कुल अंडे का टेस्ट रहता है। जॉश टेट्रिक को-फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ईट जस्ट ने कहा कि आज तक हमें गोश्त खाने के लिए जानवरों को मारना पड़ता था, लेकिन अब नहीं। लैब ग्रोन मीट का टेस्ट, फ्लेवर और टेक्सचर बिल्कुल रियल मीट की तरह ही रहेगा। प्लांट बेस्ड मीट को सोयाबीन प्रोटीन से प्रोड्यूस करते हैं, बट लैब ग्रोन मीट एनिमल के सेल्स लेकर प्रोड्यूस किया जाता है। मैंने प्लांट बेस्ड मीट की डिटेल्ड वीडियो बनाई है, टॉप राइट कॉर्नर लिंक पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। कल्चर्ड मीट या क्लीन मीट प्रोडक्शन सेल डिवीजन से होता है। लाइक अगर बीफ के प्रोडक्शन के लिए काउ सेल्स, चिकन के प्रोडक्शन के लिए चिकन सेल्स और गोट के मीट प्रोडक्शन के लिए गोट का सेल लिया जाता है। एक सेल का साइज एक सेसमी सीड जितना होता है, जिसे मायोसैटेलाइट कहते हैं। तो ये सेल चंकी पार्ट या जहां ज्यादा गोश होता है वहां एनेस्थीसिया से नम करके उस पार्ट के थोड़े से मसल टिश्यू मतलब वहां के बिल्कुल थोड़े से गोश को निकाल कर लैबोरेटरी में एक बायोप्सी में रखा जाता है। वो छोटे से मीट में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। लैबोरेटरी में उस छोटे से मीट को सेल ग्रोथ मिलने के लिए उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे काऊ घास खाती है तो काऊ मीट सेल्स को केमिकल्स के साथ ग्रास के प्रोटीन दिया जाएगा सेल ग्रोथ के लिए। बेसिकली उन सेल्स को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है जैसा एनिमल के अंदर की बॉडी में होता है, और जब उन सेल्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट, शुगर, प्रोटीन और टेम्परेचर सही से मिलते हैं तो वो एक सेल मल्टीप्लाई होके कुछ टाइम बाद एक बड़ा पीस ऑफ मीट बन जाता है। इस मीट टेक्नोलॉजी से बिल्कुल थोड़े गोश्त के पीस से लार्ज स्केल पे मीट प्रोडक्शन करा जा सकता है बिना कोई एनिमल स्लॉटरिंग के। कंपनीज क्लीन मीट को ट्रेडिशनल मीट से कम्प्लीटली रिप्लेस करने के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जानवरों को बिना मारे मीट प्रोडक्शन करा जा सकता है। 2018 तक रिसर्चर्स मीट स्ट्रक्चर जैसे स्टेक, नगेट्स और टेस्ट रेप्लिकेट करने में फेल हो रहे थे, लेकिन ईट जस्ट ने कल्चर्ड चिकन नगेट्स से सक्सेस पा लिया है। वैसे भी आजकल कुछ भी नेचुरल और ओरिजिनल नहीं है। ऑलरेडी चिकन्स को स्टेरॉइड्स दिया जा रहा है जल्दी ग्रोथ के लिए। नकली इंटेलिजेंस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नकली इंसान दिखने वाले ह्यूमेनॉइड्स एनिमल्स से हाई अमाउंट ऑफ दूध निकालने के लिए इंजेक्शंस जिसमें न्यूट्रिशन की कमी है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स जिसमें इतने केमिकल्स मिक्स कर रहे हैं, और अब ये लैब ग्रोन मीट, सो कॉल्ड क्लीन मीट। आप कैसे सुन सकते हो कि वो भी नेचुरल होंगे? क्लीन मीट भी तो लैब में ही बनाया जा रहा है। क्लोजली देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग और अर्थ एटमॉस्फेयर को इंसान ही बर्बाद कर रहे हैं। ये बेहतर फ्यूचर के लिए इनोवेशंस किए जा रहे हैं, लेकिन आप याद करो होलोकॉस्ट के टाइम नाजी गवर्नमेंट ज्यूश लोगों को फ्लोराइड केमिकल से अपने कंट्रोल में रखते थे,
इसका मतलब ये नहीं कि आजकल के प्लांट बेस्ड या क्लीन मीट में फ्लोराइड मिक्स कर रहे हैं। आप खुद सोचो, ये सब चीजें लैब्स में ही बने जा रहे हैं, तो क्या पता कौन से केमिकल्स इन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में यूज हो रहे हैं, जिससे इंसानों का आईक्यू लेवल या इंसान के इंटेलिजेंस कम करेगा। बहुत सारे कंपनीज कल्चर्ड चिकन मीट के अलावा लैब ग्रोन फिश की भी टेस्टिंग कर रहे हैं। ईट जस्ट अपने कल्चर्ड चिकन नगेट्स के बाद अब प्लान कर रही है उनके लैब ग्रोन बीफ के अप्रूवल के लिए। अभी के लिए सिंगापुर में गुड मीट ब्रांड के अंडर ये कल्चर्ड चिकन नगेट्स को एक रेस्टोरेंट में सर्व किया जाएगा। थोड़े टाइम के बाद कल्चर्ड चिकन नगेट्स का सेल दूसरे रेस्टोरेंट्स तक एक्सपेंड किया जाएगा। सिंगापुर में बहुत ही जल्द लैब ग्रोन चिकन नगेट्स मेन्यू में अवेलेबल रहेंगे। कहा जा रहा है कि पहले 6 महीने के लिए कल्चर्ड चिकन नगेट्स का प्राइस प्रीमियम चिकन जितना ही रहेगा। तो क्या आप इस लैब ग्रोन मीट को खाना पसंद करोगे? That's nasty. Ugh, doesn't sound right. I'm not really into like lab made things. It's unnatural. It just seems off. ऐसे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करो, और हम मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, टेक केयर।